सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 जो है वो हमने पार्ट वन करके रखा है, अभी पार्ट टू करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स है तो थोड़ा मैं दे देता हूँ, फिर जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो पहला अपडेट ये है कि जो होमवर्क्स है वो आज मतलब क्या है कि सॉल्व नहीं किया जाएगा बिकॉज टाइम ज़्यादा खा रहा है। तो अभी क्या होगा कि जो होमवर्क्स मैं दूंगा या फिर जो होमवर्क्स मैंने दिए हैं वो संडे को मैं सॉल्व करूंगा, हर संडे को, ठीक है। और अभी जो आज मैं जो सिस्टम करूंगा वो है, आप देख सकते हो पीछे कि मैंने सॉल्यूशन करके रखा है, तो लाइक एक सॉल्यूशन किया हुआ होगा और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ है अभी। तो देखो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने मतलब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश की है, एंड जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं वो बहुत बहुत है। सिर्फ जो 6.4 है, सॉरी 6.4 नहीं, 8.4 है, उससे पहले एक मतलब बेसिक्स आपको जानना है। मैं एक्चुअली जब 8.4 कराऊंगा तब मैं आपको वो सारे बेसिक्स बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जितने भी एक्सरसाइज है जैसे कि 8.1, 8.2, 8.3, उनके मैंने बेसिक्स ऑलरेडी बता दे के रखा है। सो या उन सारे वीडियोस को देखिए एंड देन ये वीडियो देखिए, ठीक है। ओके, तो अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और अभी हम लोग करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हो यहाँ पे है, तो 7वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो या स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, इस वीडियो में ना मैं अपने फ़ोन से चेक करूँगा कि फोकस वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो या इसलिए जो फ़ोन है वो ज़्यादातर मेरे हाथ में रहेगा, सो या उसका वो कर लेना, ठीक है, मैनेज कर लेना। तो अभी मैंने फोकस यहाँ पे करके रखा है। ओके, अच्छा, तो देखो 7 नंबर है, इसको 2-3 टाइप से कर सकते हैं, बट मैंने सबसे बेसिक टाइप मैंने सिखा के रखा है यहाँ पे, और आपको यही सेम पिक्चर एज PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और क्वेश्चन के लास्ट में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो या यही पिक्चर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो, अच्छा चल, तो चलो करते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया गया था कि कॉट थीटा जो था वो 7/8 था, ठीक है। कॉट थीटा क्या था, 7/8 था। तो मैंने क्या किया कि जो कॉट थीटा है वो कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा लिख लिया। अगर नहीं लिखोगे फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया क्योंकि यहाँ पे जाके ईजी होने वाला था। देखो कहाँ पे यूज़ होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो अभी ये जो है वो नंबर 1 है, ठीक है, ये नंबर 1 मैंने देखे रखा है। तो अभी हम लोगों ने इतना ही करना है, उसके बाद जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे जाते हैं। और अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया था, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था कि a+b और a-b क्या होता है, a²-b² होता है, ठीक, ये होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यही फॉर्मूला का हमने क्या किया, इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा, तो इसी फॉर्मूला का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने की, 1 - cos²θ। अब देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख के रखा है कि sin²θ + cos²θ = 1, ठीक है। sin²θ + cos²θ क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको 8.4 करते बस लगेगा, ठीक। तो आप ना इसी फॉर्मूला को पहले अभी अभी ने आप वो याद कर लो, ठीक है। तो चारों तरफ से नॉइस आ रहा है तो इसके लिए सॉरी। तो इसको, इस फॉर्मूला को याद कर लो क्योंकि बहुत जगह पे हमने यूज़ करके रखा है, जैसे कि हमारा पहले भी एक था शायद वो नंबर, अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन में भी हमने सेम इसी का इस्तेमाल किया था, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया था हमने थोड़ा सा। तो इसको याद रखो कि sin²θ + cos²θ = 1, अगर आप अभी याद रखोगे तो जो 8.4 है वो करने में आपको आसानी होगी, ठीक। अच्छा, तो हमने वही लिखा कि यहाँ पे देखो 1 - sin²θ था। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि sin²θ + cos²θ = 1 है, तो ठीक है, अगर हम लोग cos²θ यहाँ पे रखेंगे तो 1 - sin²θ = क्या होता है, cos²θ होता है। तो cos²θ हमने यहाँ पे लिख दिया 1 - sin²θ की जगह, और यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि 1 - cos²θ है, तो यहाँ पे sin²θ लिख दिया, आप खुद सोच लो क्या मैंने किया है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सिमिलर है इसका, ठीक है। अच्छा, क्या किसका, ये देखो मैंने आपको एक दिन बताया था एक वीडियो पे, कॉस अगर ऐसा है ये इक्वल होगा cos²θ का, समझ पा रहे हो चीज़ें,
तो वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा, वही लिखा है। तो अभी देखो ये है, उसके बाद देखो इसका वैल्यू जो हमने पुट कर दिया, एक नंबर ये वाला था, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, मैंने लिख दिया फ्रॉम वन, ठीक है, समझ पा रहे हो चीज़ों को। देन यहाँ पे वैल्यू इसको लाइक इसका स्क्वायर 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 यहाँ पे हो गया, आंसर हो गया। अभी दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था, ठीक है, रोमन टू, तो रोमन टू जो क्वेश्चन था वो था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना बहुत ही आसान है। तो यही है, और जो दोनों का जो आंसर है वो सेम निकला, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन यही तक है, तो अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर 8 नंबर यहाँ पे लिखता हूँ एंड फिर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये है नंबर 8, ठीक है, आप देखो कि कैसे मैंने सोल्यूशन किए हैं। तो ये थोड़ा लेंथी है, इससे भी लेंथी है इस वाले मतलब एक्सरसाइज में ही, इससे ज़्यादा लेंथी भी आपको मिलेगा, बट आप देखो, ठीक है। गिवन क्या है वो पहले देख लो, गिवन जो दिया है वो मैंने लिखा, उससे हमें क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है, ठीक है, देख लो 4/3 मिल सकता है। तो देखो कॉट ए जो है वो AB/BC है। अब आप सोचोगे कि यार अगर हम लोग इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तब ये ठीक है, लेकिन अगर हम इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करें तब तो ये नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, बेस ये होगा, AC होने वाला था, AC/ वो होने वाला था, ठीक है, क्या कहते हैं सर, AC/BC, लेकिन यहाँ तो AB/BC हो रहा है। तो देखो आपके ऊपर है, आप कैसे करोगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा देखो हो गया, अब हम लोग इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, AB ऐसा सेम मैंने करके रखा है तो अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो AB जो है वो दिया गया है, ABC यहाँ पे मैंने एक्चुअली नहीं दिया गया, ये जो गलत है, ठीक है, दिया गया नहीं है, एक्चुअली क्या है कि मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अच्छा तो देखो अभी मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर दिया और यहाँ पे AC का वैल्यू मिल चुका है, बस पर इस वाले लाइन पे और एक लाइन होना चाहिए था, लेकिन मैंने उसमें क्या किया कि उसमें शॉर्टकट थोड़ा सा कर दिया, बिकॉज जगह कम है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे मैंने लिखा कि नाउ, नाउ मतलब अब, ठीक है। तो अभी मैंने कॉस ए निकाला, कैसे, AB/AC, साइन ए निकाला। और हाँ एक चीज़, जैसे डायग्राम से आप आपने ये निकाला होगा, उसी सेम डायग्राम से आप ये निकालो, मतलब कॉस ए निकालो, साइन ए निकालो, टेन ए निकालो, कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले के वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है। अच्छा तो देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, क्या किया हमने, सिर्फ 10A² ए के जगह 10 जो 10A का वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इससे शॉर्टकट कर सकते थे बट नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छा है, ये आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया, ये इसी चीज़ को मैंने मतलब अगर आप वो करोगे तो ये आता है, ठीक है, और इसको अगर करोगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो, मतलब यार अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो डेफिनेटली वो आपको पता ही है, फिर भी मैं कर ही देता हूँ ना। 1-10 ये वाला है ना, अच्छा तो 1- क्या होगा, 9/16, और यहाँ पे क्या होगा, 16/16-9, तो 16 और यहाँ पे 7, तो ये है, ये लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा। उसके बाद देखो नीचे वाला भी सेम वैसे ही हो रहा है, और 16 अपना ओके हो गया है, ठीक है, कट गया है एंड 7/25 आ चुका है, ओके। उसके बाद अपने मैंने जो है राइट हैंड साइड लिया है, ठीक है, राइट हैंड साइड लेना है आपको, और आप देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस ए का वैल्यू हमने लग दिया और इसको स्क्वायर कर दिया, साइन ए का वैल्यू लग दिया, साइन उसका स्क्वायर कर दिया, और ये जो है करते गए और हमें वही सेम वैल्यू मिला जो यहाँ पे था, वही सेम वैल्यू यहाँ पे मिला। तो अगर ये मिला तो यहाँ पे अब देखो मैंने लिख दिया कि ये सेम है, ठीक है। अच्छा तो ये सेम है, अब देख लो अभी आपको एक स्क्रीन वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसे, एक मैंने इसको फ़ोटो मार के आपको दिया है तो मिल जाएगा। और मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ, देखते हैं, आपको होमवर्क देता हूँ या फिर करता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा तो अभी कर लेते हैं नंबर 9, ठीक है। अच्छा तो नंबर 9 भी क्या है, देखो 10A दिया गया है 1/√3, इसको बहुत सारे टाइप से हम लोग कर सकते हैं,
बहुत ही आसान टाइप में आपको मतलब कर देता हूँ उस पर, बहुत ही आसान टाइप पे कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो 10a है 1/√3, तो अभी हम लोग 10a क्या होगा, BC/AC, AB कैसे, मैंने ऐसा ट्राइंगल लिया था, खुद समझो कैसे। बस पहले तो आपका जो परपेंडिकुलर है, नहीं जो परपेंडिकुलर है वो कहीं ना कहीं ये आएगा, ठीक है, ये आएगा परपेंडिकुलर, और बेस ये आएगा, ठीक है, ये आया था, समझ पा रहे हो। अच्छा तो अभी देखो, आप मान लिया, क्या मान लिया, बीसी के है और ए बी √3 है, ठीक है। तो हम लोगों ने ए सी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, वो क्या कहते हैं उसे, पाइथागोरस का थ्योरम हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे, और ए सी का वैल्यू जो है निकाल चुका है 2k, ठीक है। अब देखो साइन है हमने निकाला 1/2, कैसे किया, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है यार, बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो देखो BC/AC 1/2 √, तो कॉस ए निकाला, साइन ए निकाला, कॉस साइन सी निकाला, कॉस सी निकाला, कैसे निकाला ऑलरेडी आप देख लो। अब देखो नंबर वन जो करते हैं मतलब रोमन वन, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो साइन ए कॉस सी, इनका वैल्यूस यहाँ पे पुट कर दिया और वैल्यूस पुट करके हमें 1 मिला। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, वैल्यूस हमने पुट कर दिया और वैल्यूस पुट करने के बाद हमें क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। तो ये है एक का वो 1 है और एक 0 है, इसको बहुत टाइप से कर सकते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा टाइप से कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा है ये। तो यहाँ तो अभी देखो आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नंबर क्या कहते हैं उसे, हाँ आपका नंबर 10 और नंबर 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, जो कि संडे को सॉल्व कर दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा 8.2, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे जो वो क्या कहते हैं टेबल जो मैंने बनाना सिखाया था ना, उसका यूज़ होगा 8.2 में। तो सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार आप कमेंट कीजिए, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, तो कमेंट कीजिए। और थैंक यू फॉर लाइक द सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट्स अपने लोगों ने दिखाया, जैसे कि 180 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, एंड थैंक यू ऑल, ठीक है। या तो अभी 8.2 का वीडियो आएगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए, और नेक्स्ट में 8 चैप्टर ख़त्म करते करते ये जो है संडे तक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 8 चैप्टर, ठीक है। तो या 8.4 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8.4 हम लोग इस टाइप से करेंगे, जैसे कि जैसे अभी ये वीडियो जिस टाइप से हमने किया ऐसे करेंगे, और जो 8.2, 8.3 है वो इस टाइप से नहीं करेंगे बिकॉज वो सारे बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर्स है। सो या वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और हाँ गाइस, अगर आपको SMEs में वीडियोस चाहिए लाइक मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स और साइंस, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैथ सशाम नाम का चैनल है, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था अपने एडवांस मैथमेटिक्स में, मतलब मेरे एडवांस मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो या उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड या अगर आपको SMEs में चाहिए बिकॉज इस चैनल पर मैं हिंदी में ही कंटेंट अपलोड करूँगा, तो या अगर आपको SMEs में चाहिए तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।